नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों डेया बस्ती है, यहाँ पर एक शादी का समारोह था आज, और दिल्ली से बारात आई थी, और जो बारात में जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया, और यहाँ के जो वासी है, यहाँ के जो लड़की वाले हैं, उनको दोस्तों बहुत बुरी तरह इनको घायल किया है, और चोटें बहुत गहरी आई है। दिखा रहे हैं हम आपको यहाँ जो ये व्यक्ति है यहाँ के वासी है, और चोटें कितनी आई है आपको दिखा रहे हैं आपके सामने से। हाँ जी भाई साहब, क्या हुआ आपके साथ? इनके राड मार दी भाई साहब, मेरे राड मारी पूरी बीच। अच्छा जी, मम्मी के भी मेरे भी। अच्छा जी, क्या बात थी, क्या कारण हुई? दिल्ली से बारात लेके हमने ऐसे बोले उसको, अच्छा जी लाए नहीं, उस बात का बुरा मान के। अच्छा, आप मतलब सैनिटाइजर के लिए बोल रहे थे? अच्छा, फिर वो क्या बोले जी? बोले हमने लाते के हमें क्या करना है। अच्छा जी, वो ऐसे बोले हमें क्या करना है। अच्छा जी, भाई साहब अपनी सावधानी तो बरतो। हाँ, सावधानी बरतनी पड़ेगी। बरती नहीं भाई। अच्छा जी, बरती उस बात के ऊपर खा गए जिस टाइम बारात चलने को खाने पीने के लिए बंदूक के लिए बहन बंदूक के पता नहीं क्या क्या। अच्छा, बराती मतलब बाहर से हथियार लेके आए थे? लेके आए थे, और उन्होंने लेडीजों के साथ हाथापाई भी की। अच्छा, लेडियों के साथ? हाँ जी, क्या लेडीज ऊपर गिर गया जी लड़के। हम ऐसे बोले ऐसे वारदात मत करो, पीछे हो करो जी, आप दिल्ली से आ रहे, कोरोना का बारिश हो रहा है। हाँ, उस बात का बुरा मान गया। वो बस में जब इसने डंडे रख रखे थे, बंदूक के थे। रिश्तेदार है जो भाई है जो घायल हुए, वो कहाँ पर है? अंदर है। छह सात घायल कर रखे। दोस्तों आपके सामने दिखा रहे जो व्यक्ति यहाँ के है वो घायल हो उसके, वो बारात आई थी उन्होंने घायल किया इनको। हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे अभी। जी सर, दोस्तों औरतों को भी चोट लगी है, और डॉक्टर साहब यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको। जिस प्रकार से चोटें लगी है, घायल हुए हैं, डॉक्टर साहब जी इनको ट्रीटमेंट दे। दोस्तों जिस प्रकार से अंदर आपको दिखाया है कि एक ताई जी है, उनको ज़्यादा चोट आई है, और राड वगैरह लग मारी हुई है इनको, और ये व्यक्ति है इनकी माता जी लगती है, तेरी माता जी है, इनकी माता जी है, और इसको भी बहुत ज़्यादा चोटें आई है, अभी इन्होंने पट्टी वगैरह करवाई है, और ये कह रहे जी हमने जो कोरोना वायरस के चलते हमें उनको सैनिटाइजर वगैरह की हाथ धोने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को के लिए मना कर दिया, और फिर उन्होंने हथियारों से हमारे ऊपर हमला कर दिया, और हमारे लोग बहुत घायल हो गए, और बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं जी हमारे को। हम प्रशासन से मांग करते हैं जी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये देखो इस व्यक्ति को कितना खून लगा हुआ है, कितने ब्लड आए हुए हैं आपके सामने दिखा रहे हैं, कितनी ज़्यादा चोटें मारी हुई है। जो बाहर से दिल्ली से आए थे हथियार साथ में लेके आए थे, और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी। दोस्तों ये बस्ती के गरीब लोग हैं, और ये इनकी शादी थी, शादी में जो लोग आए थे वो हथियारों के साथ आए थे। हाँ जी, हाँ जी, अब क्या चाहते हो जी, आप प्रशासन से क्या मांग करते हो जी? ये मांग करते हैं जी दिल्ली वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हमारे कुछ न्याय मिलना चाहिए। हम औरतें भी और मेरी सासू भी और मेरा देवर भी बिल्कुल घायल करके घेर रखे हैं जी। अच्छा अच्छा जी, हम आना मेरी सासू को जवाब दे दिया, डॉक्टर जी ने जींद का रक्त का पर्चा काट दिया है। अच्छा, मरने की हालत है उसकी, मेरे को सख्त से सख्त इंसाफ मिलना चाहिए कानून के। ठीक है जी, धन्यवाद।